नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विलास और एक और शेयर वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं स्वामी जी मनी मार्केट में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे शेयर्स की जानकारी जल्द से जल्द मिलती रहे और मिल सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आज 35 रुपये 40 पैसे का यहाँ पे ये शेयर अभी चल रहा है, ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे 10 पैसे की यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है। मार्केट जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, अप और डाउन हो रहा है। देखिए 15% हो गया, 0.42% की यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है। तो ऊपर नीचे हो रहा है ये शेयर। और ये शेयर है दोस्तों उषा मार्टिन लिमिटेड का ये शेयर है। और इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं यहाँ 3 दिन पुरानी न्यूज़। उषा मार्टिन लिमिटेड लीड्स गेनियर इन अ ग्रुप, यानी कि ये बढ़त की तरफ भाग रहा है। उषा मार्टिन शेयर जूम्स 20% इन आफ्टरनून सीजन। ये 2 दिन पुरानी यानी कि फ्राइडे की न्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। उषा मार्टिन आप देख सकते हैं इस शेयर का जो ग्राफ भी है, यहाँ खरीदी बिक्री चल रही है। आप देख सकते हैं 30 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा था 5 दिन, 29 रुपये 5 दिन का ये जो चार्ट था वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मंथ का चार्ट 29 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा था ये शेयर। और मैक्स चार्ट की बात करूँ तो आपको दिखा देता हूँ, 2003 में 5 रुपये 10 पैसे के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा था। और वहीं बात करें हम लोग 2008 की तो 100 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। फिर 2016 में 8-8.5 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ 30-31 लगातार अप और डाउन होता आज ये शेयर 29 रुपये के आसपास यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अभी इसका भाव 35 रुपये 50 पैसे के आसपास चल रहा है। तो आप देख, मैं आपको बता देता हूँ कि ये बिज़नेस अभी करती क्या है उषा मार्टिन इंगेज इन द बिज़नेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ स्टील वाइड रॉड ब्राइट बार रोल्ड प्रोडक्ट बिलेट्स पिग आयरन एंड अलॉयड प्रोडक्ट्स। इट्स मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ स्टील वायर स्ट्रेंड्स वायर रोप्स कॉर्ड्स रिलेटेड एसेसरीज एंड ETC, यानी कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट है लोहा है स्टील है उससे रिलेटेड ये कंपनी है। बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, नामचीन कंपनी है। आपको मार्केट कैपिटल देख के ही पता चल रहा होगा उसका 1076 करोड़ का मार्केट कैपिटल है इसका। करंट प्राइस आप देख सकते हैं 35 रुपये के आसपास चल रही है। हाई लगा चुका है दोस्तों 38 रुपये का, ये 1 साल का चार्ट है। 10 रुपये का लो लगा चुका है। स्टॉक PE 13 रुपये है। बुक वैल्यू इसकी आप देख सकते हैं 41 रुपये की तो बुक वैल्यू दोस्तों। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROCE इसका 22.2% है, ROE इसका 40.6% है। बहुत ही शानदार रिटर्न है इस कंपनी में। और बुक वैल्यू देख सकते हैं 1 रुपये की बुक वैल्यू है। वहीं आप चार्ट देखें तो फ्लक्चुएट कर रहा है, अप और डाउन चल रहा है इसमें। काफ़ी इन्हें खरीदी बिक्री यहाँ पे देख सकते हैं, बीच में जो गिरावट आई थी उसमें गिरावट भी यहाँ पे आप देख दर्ज कर सकते हैं। लेकिन जो शेयर है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। प्रॉस की बात करें तो कंपनी हैज़ रिडक्ट डेप्ट, कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो कंपनी क्लियर कर रही है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 0.84 उसकी बुक वैल्यू से ये ट्रेड कर रहा है परसेंटेज के हिसाब से। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ 65% के आसपास की अच्छी यहाँ पे एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे कॉन्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, मगर उतना कुछ खास यहाँ पे प्रमोटर हैव प्लग्ड देयर होल्डिंग और कंपनी में भी कंप्लीट द इंटरेस्ट कॉस्ट। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल ग्रोथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ साल भर का चार्ट होगा जिसके कारण कंपनी में कोरोना चल रहा है तो ये कोरोना की प्रॉब्लम्स यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मार्केट है वो उतना खास नहीं है, तो कंपनी के ऊपर भी थोड़ा असर तो पड़ेगा ही। बहुत सारी कंपनीज के ऊपर असर पड़ा है सर। तो पैर कंपैरिजन की बात करें दोस्तों तो 8वें पायदान पर हमारी ये कंपनी आ रही है उषा मार्टिन। उसके ऊपर भी बहुत सारी कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है। तो हम तो बात कर रहे हैं भैया उषा मार्टिन की, तो उषा मार्टिन एक अभी फ़िलहाल बहुत ही उस सेक्टर में बहुत ही सस्ता शेयर यहाँ पे चल रहा है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में शेयर शामिल करना चाहें तो एक अच्छा स्टील सेक्टर में ये शेयर अभी जो है वो चल रहा है। और क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें दोस्तों तो नेट प्रॉफिट कंपनी को 37 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, ये 2020 का आंकड़ा था। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो कंपनी को 2020 में 42 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। बैलेंस शीट यानी कि टोटल कंपनी के असेट्स की बात करें तो 2530 करोड़ की कंपनी के उसमें टोटल असेट्स अवेलेबल है। और वहीं कैश फ्लो की बात करें दोस्तों तो 50 करोड़ का कंपनी के उसमें कैश फ्लो भी अवेलेबल है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे मार्च 2018 में आप देख सकते हैं कंपनी के पास जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी वो 50.66% थी, जिसके बढ़ाकर दिसंबर 2020 में 51
1.80 कर दिया गया। उसके पहले आप देख सकते हैं जनवरी और सितंबर में भी बहुत ज़्यादा थी, 53 के आसपास, 52 के आसपास थी, मगर उसे कम किया गया। मगर फिर भी 2018 की तुलना में अगर देखा जाए तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं दूसरे सेक्टर्स, FIIs के पास भी और DIIs के पास भी यहाँ पे होल्डिंग्स है, और पब्लिक के पास में इसके 39.82% की होल्डिंग्स जो है वो पब्लिक के पास अवेलेबल है। ओवरऑल देखा जाए तो एक शानदार शेयर है स्टील सेक्टर में, आगे जाके ये बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है तो आगे जाके आपको और भी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और 100 रुपये के आंकड़े को भी ये पार करती हुई कंपनी आपको देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे विदेशी फंडिंग्स आएंगी, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, बड़ी बड़ी जो कंपनीज आएंगी यहाँ पे, बड़े बड़े काम्स चलेंगे, वैसे वैसे इन कंपनीज के रेट भी आपको एक आसमान छूते हुए देखने को मिल सकते हैं। वहीं आप देख सकते हैं इसका टेक्निकल रेटिंग, हम लोग देख सकते हैं कि वेरी बुलिश शेयर है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स भी नेचुरल है इसमें। बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार शेयर, अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म में भी अगर थोड़ा बहुत इनकम करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। और वहीं प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो 1 वीक में कंपनी ने 15.47% का रिटर्न दिया है, 1 महीने में 5.98% का रिटर्न दिया है, 3 महीने में 39% के ऊपर का रिटर्न दिया है। हालांकि 6 साल में आपको थोड़ी गिरावट यहाँ को देखने को मिल सकती है 3.80 की, मगर 1 साल और 3 साल की तुलना में आपको यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, 60% और 80% के आसपास यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न कंपनी ने इन्वेस्टर्स को निकाल कर दिया है। वहीं कम्युनिटी सेंटीमेंट्स की बात करें दोस्तों, तो यूज़र्स का कहना है, 6 यूज़र्स का यहाँ पर रिव्यू है, 6 यूज़र्स के हिसाब से यहाँ 75% का कहना है कि बाय करना चाहिए, 13% का कहना है कि आपको सेल करना चाहिए, और 12% का कहना है कि आपको इसको होल्ड करना चाहिए। यानी एक लंबा टारगेट है कि ये कंपनी अपने 100 के टारगेट को पार कर सकती है, ये एक टारगेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ चैटिंग्स भी हो रही है, उषा मार्टिन के लिए किसी ने चैट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 120-170 रुपये के आसपास कम जा सकता है, 2021 तीसरे महीने की कुछ बात यहाँ पे बताई दे रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर में भी चैट किया गया है, किसी ने बताया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा शेयर है, जल्द से जल्द अपने 100 के टारगेट को ये पार करेगा तो आपके भी अच्छे खासे यहाँ पे जो रिटर्न है आपको यहाँ से इस शेयर से निकल के मिल सकते हैं। इसलिए कहता हूँ, मेरे ऐसे ही अच्छे शेयर्स की जानकारी, ऐसे अच्छी कंपनीज जो मैं आपको ढूंढ कर देता हूँ, ऐसी कंपनीज की जानकारी आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अच्छे से अच्छे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। धन्यवाद।